सभी भाइयों नमस्कार, ड्रीम शॉट टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे को ड्रीम 11 खेलते टाइम किस लीग के अंदर और किस मैच के अंदर, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो बास्केटबॉल का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे वो हॉकी का हो, किस में कितना इन्वेस्ट हमारे को करना चाहिए और डेली हमारे को किस हिसाब से कितना इन्वेस्ट करके कौन कौन सी लीग यहाँ ज्वाइन करनी चाहिए। जिस तरीके से आपके बार बार क्वेश्चन मेरे पास में आते रहते हैं कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर इस मैच में, तो पूरी जानकारी दूंगा और पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को, यहाँ पर रिस्की इन्वेस्टमेंट को भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर यहाँ पर मनी कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर आसानी से मिल सके, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ जाएं। आपको सर्च करना है ड्रीम शॉट टिप्स और फटाफट से वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, क्रिकेट की और हॉकी की मैं टीम प्रोवाइड कराता रहता हूँ, पूरे प्रीव्यूज देता रहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे होने वाले चेंजेस की जानकारी भी इजीली आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो आइए फ्रेंड्स फटाफट से बात कर लेते हैं कि किस मैच में हमारे को किस हिसाब से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, चाहे आप क्रिकेट का मैच खेलें यहाँ पर, चाहे आप बास्केटबॉल का खेलें, चाहे फुटबॉल का खेलें, चाहे हॉकी का खेलें मैच, चाहे आप कोई सा भी खेलें, आपको एक यहाँ पर अपनी फिक्स लिमिट बना के चलनी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि जैसे आपकी डेली की लिमिट है 1000 रुपीज़। मैं यहाँ पर केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपके ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपीज़ के ऊपर ही आप खेलें, आप चाहें तो 100 रुपीज़ पे भी खेल सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिया है कि आपने जैसे 1000 रुपीज़ की डेली की लिमिट बना ली। अब आपको इसके अंदर डेली 1000 रुपीज़ के हिसाब से ही अपना इन्वेस्ट करना है। पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रीव्यू मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ वो उसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है, या मेरा जो वीडियो मैं आपको यहाँ पर सेंड करता हूँ उसको पूरा का पूरा एक बार आपको डिटेल में उसको पूरा का पूरा लिसन करना है, ताकि आपको ये बात की जानकारी मिल जाए कि इसके अंदर रिस्की मैच है या हम इसके अंदर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल कॉपी और पेस्ट कर देते हैं जैसी टीम मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसके अंदर मैं लास्ट में ये चीज़ कर देता हूँ कि इन्वेस्ट लेस, कि आपको यहाँ पर लेस इन्वेस्ट करना है, या मैं कहता हूँ आपको कि इन्वेस्ट गुड, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर पढ़कर ही इन्वेस्टमेंट करना है। जैसा कि, या फिर हम तीसरे नंबर पे बात करें कि पूरी क्लियरिटी के ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरीके से अब आपको यहाँ पर ये बात को क्लियर करना है कि हमारे को यहाँ पर कितना कितना किस वाले लीग के अंदर या किस वाले मैच में कितना हमारे को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने आपको किसी मैच के अंदर या प्रीव्यू के अंदर ये चीज़ कह दी कि इन्वेस्ट गुड, कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो टोटल पूरे दिन का जो बजट है मैच का, या उस पर्टिकुलर मैच का जो आपका बजट है वो 1000 रुपीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इन्वेस्ट गुड के अंदर आप 80-90% आप इस अमाउंट का उस मैच के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्स इसका मतलब हो गया 800-900 रुपये आप उस वाले मैच के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसको किस लीग में इन्वेस्ट करना है ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर लास्ट में बता दूंगा। इसके अलावा यदि मैंने आपको कहा कि मैंने अपने प्रीव्यू के अंदर वहाँ पर कहा कि इन्वेस्ट लेस, कि आपको यहाँ पर लेस इन्वेस्ट करना है, तो ये बात मान के चलिए कि उस मैच के अंदर थोड़ी सी चांसेस जो है वो रिस्की है हमारी, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट लेस के अंदर ये मान के चलिए टोटल का 30-35% ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए चलना है। इट्स मीन यदि हमने एग्जांपल वहाँ पे लिया है 1000 रुपी का, तो आपको यहाँ पर 30-35% का मतलब है 300-350 रुपये ही आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं उस वाले मैच को खेलने के लिए। और यदि मैंने किसी मैच के साथ में ये लिखा कि ये मैच रिस्की है, तो मैच रिस्की का मतलब ये है, मेरे कहने का ये मतलब है कि उस मैच को या तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दें, ड्रॉप कर दें, उस वाले मैच को नहीं खेलें। और बाय द वे मेरे कहने के बाद में भी कई लोग होते हैं जो खेलते हैं, तो ये मान के चलिए केवल 15-20% ही आपको उस वाले मैच के अंदर इन्वेस्ट करना है। इट्स मीन यदि हमने 1000 रुपये का हमारा टारगेट लिया हुआ है, तो 15-20% का मतलब हो गया अप्रॉक्स 150-200 रुपीज़ ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और एक बात मैं और यहाँ पर सबको क्लियर करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको कह दिया कि 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पर मैच के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, या मैंने लिख के दे दिया आपको कि इन्वेस्ट गुड, आपको यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देना है, तो इसका मतलब 80-90% आपको एक ही लीग नहीं ज्वाइन करनी है। फ्रेंड्स मैंने ये बात पहले भी कही है और कई मैंने आप लोगों की ये बात देखी भी है
कि जैसे एक ही लीग हो गई, समझ लीजिए कि 800 रुपए की या 900 रुपए की पूरी एक ही लीग हो गई, तो आपने एक ही लीग ज्वाइन कर ली। तो मैं आपको बात बता दूं कि एक लीग ज्वाइन नहीं करके छोटी छोटी स्मॉल लीग्स, आपको नंबर ऑफ लीग्स ज़्यादा ज्वाइन करनी है, भले उसका टोटल अमाउंट 800-900 रुपए हो जाए, एक ही लीग के अंदर 800 रुपए लगाने से बाय द वे आपकी टीम थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो वो ये मान के चलिए, या फिर आपका बैड लक है उस दिन, तो वो पर्टिकुलर 800 रुपए लगाने के बाद में एक ही लीग में आप वहाँ हार जाओगे। और यदि बाय द वे आपकी टीम थोड़ी अच्छी नहीं भी है, तो यदि आपने नंबर ऑफ टीम्स के अंदर इन्वेस्ट करा स्मॉल लीग, एक से ज़्यादा लीग में 800 रुपए को इन्वेस्ट करा, तो कोई ना कोई लीग में आप मान के चलिए कि 50% लीग आप हार भी गए तो 50% में जीतने की चांसेस रहेगी। तो जिस लीग में 50% लीग्स में आप जीते हो वो आपको यहाँ पर कवर अप करवा देगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा आपको कि एक ही लीग के अंदर पूरा 800-900 रुपए लगाकर ना खेलें, इसको बिल्कुल बायफ्रिकेट कर दीजिए, अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट दीजिए, स्मॉल लीग के अंदर अलग अलग सेक्शन के अंदर, चाहे वो लीग 12 रुपीज़ की हो, चाहे 17 की हो, 20 की हो, चाहे वो 77 की हो, 100 की हो, लेकिन 800 रुपए को आप अलग अलग लीग में बांटकर यहाँ पर अपनी विनिंग हर मैच के अंदर लगभग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी जो आपके साथ में शेयर करनी थी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।